एक बयान आता है उसका हमें इंतजार है। अब तक ये नहीं आया है कि आखिर सरकार इसे लेकर के क्या कह रही है, लेकिन जो अंदर की खबरें हैं वो हम बता दे रहे हैं कि दुकानों को रात 8 बजे से उसके बाद रात में बंद कर दिया जाएगा, यानी 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे, दुकानें, प्रतिष्ठान, ये सारी जगह बंद हो जाएंगी। शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे, 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आज्ञा नहीं है। तो आज आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई है उस बैठक में समीक्षा हुई है, और समीक्षा के बाद जो अंदर से छन करके खबरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बड़े फैसले लिए गए हैं आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद में। हालांकि अभी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है, हम भी इंतजार कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आधिकारिक तौर पर आपको वो तमाम जो फैसले लिए गए हैं इन फैसलों को आपके सामने रखा जाएगा। सरकार का फैसला, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क, परीक्षाएं रहेंगी यथावत। तो कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से मृत्यु हो रही है संक्रमित मरीजों की, इसको देखते हुए लगातार न्यूज 11 भारत लोगों से अपील कर रहा था कि आप सावधानी बरते, अन्यथा सरकार कोई कड़ा निर्णय ले सकती है। और इसी कड़ी में आज बैठक बुलाई गई थी, आपदा प्रबंधन की यह बैठक थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद, इस बैठक के बाद फैसला लिया गया कि अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क, परीक्षाएं यथावत रहेंगी, शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं बुलानी है। तो सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे, परीक्षाएं रहेंगी यथावत, रात 8 बजे से सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, रेस्टोरेंट और बार में क्षमता के सिर्फ 50% लोगों को अनुमति दी गई है, शादी समारोह में 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल, इससे अधिक आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तमाम चीजों पर नजर है, जिला प्रशासन की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क बंद रहेंगे, परीक्षाएं यथावत रहेंगी, शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाएं यथावत रहेंगी, रात 8 बजे से सभी प्रतिष्ठान को बंद करना होगा, रेस्टोरेंट और बार में क्षमता के सिर्फ 50% लोगों को अनुमति दी जा सकेगी, शादी समारोह में 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल। तो इसकी जरूरत भी महसूस हो रही थी, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ जो लापरवाहियां देखी जा रही थी इसको लेकर ये चीज है। न्यूज 11 पहले से अपने दर्शकों को बता रहा है कि अगर हम सावधानियां नहीं बरते, हम अगर गाइडलाइंस का, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो सरकार कोई कड़ा निर्णय ले सकती है, और उसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क ये सब बंद रहेंगे, धीरे धीरे अनलॉक में इन सबको खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई थी और फेज वाइज इन तमाम चीजों को खोला गया था। स्कूल में सीनियर सेक्शंस के क्लास शुरू कर दिए गए थे, अब एक बार फिर अगले आदेश तक इन्हें बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। परीक्षाओं के लिए हम स्थिति को स्पष्ट कर दें कि परीक्षाएं
यथावत रहेंगी। परीक्षाओं को लेकर कोई गाइडलाइंस, कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। रात 8 बजे से सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। अगर इस दौरान किसी की शादी है, शादी समारोह है, तो 200 लोगों से ज्यादा को आप निमंत्रण नहीं दे सकते, 200 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हैं। 200 लोगों को सीमित संख्या में शादी संपन्न करानी होगी। ये जरूरी है क्योंकि कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, हम और आप अगर सावधानी नहीं लेंगे तो अभी भी स्थितियां, हम ये नहीं कहेंगे कि बिगड़ चुकी हैं, मगर बिगड़ जाएंगी अगर हम और आप सावधानी नहीं बरतेंगे, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो।